हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रीति परियार, हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक बार फिर कुछ न्यू चोरीज में। सो गाइस, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ हैप्पी होली। सबको मेरी तरफ से होली की बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, आप सबको राम राम साहब। और फ्रेंड्स, अब बात करने हम लोग होली के ऊपर, हम लोग किस प्रकार से अपना लुक चेंज कर सकते हैं, किस प्रकार हम अपने बालों को स्ट्रेट कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप घर पे कैसे अपने बाल स्ट्रेट कर सकते हो, मैं पार्लर में कैसे करती हूँ, मैं खुद के कैसे करती हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं आइकॉनिक मशीन से स्ट्रेट बाल करूँगी। आप कोई सी भी मशीन लगा ले सकते हो, बट प्रोसेस विदाउट एनी वेस्ट टाइम, लेट्स गो स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले मैंने अपने बालों के ट्रेंगल फ्री कर लिए। अब मैं क्या करूँगी, बालों को दो भागों में डिवाइड कर लूँगी, यानी प्रोफाइल वाला सेक्शन निकाल लूँगी। ये इस प्रकार मैंने बालों को दो भागों में डिवाइड कर लिया और मैं मिरर के जस्ट सामने बैठूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, मिरर के सामने हम बैठ के देख देख के उसके प्रकार हम लोग करेंगे अपने स्ट्रेट बाल। तो सबसे पहले क्या करूँगी मैं, आधे बालों को आप कॉम से ले सकते हो इस प्रकार, या फिर अपनी फिंगर से, थंब की हेल्प से ले सकते हो। मैंने ये आधे हाफ बाल कर लिए। इन हाफ बालों को लेकर ऐसे राउंड करूँगी और यहीं पे हल्का सा कुछ जुड़े के जैसे बना लूँगी। ये इस प्रकार यहाँ पे क्लचर से टक कर लिया है। और अब ये हाफ बाल ले मेरे, अब मैं हाफ बालों के ऊपर सबसे पहले स्ट्रेट बाल करूँगी, अच्छे से ट्रायंगल फ्री वापस कर लूँगी बालों को करके। फिर मैं क्या करूँगी, सबसे पीछे वाले बाल है उनको लूँगी थोड़ा थोड़ा, ये थोड़े बाल लिए और इन बालों को पीछे कर लूँगी और इनको स्ट्रेट करूँगी। तो मैं मशीन कर लेती हूँ चालू, मशीन हो गई है चालू। अब होते ही आपको बताती हूँ, नेक को ऐसे थोड़ा नीचे ही रखना है ताकि हमारे एकदम स्कैल्प के पास से हेयर स्ट्रेट होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ में कॉम रख लेती हूँ ताकि हमारे हाथ भी नहीं जलेंगे। सबसे पहले स्ट्रेट यहाँ से ऊपर से करना स्टार्ट करूँगी, ऊपर से दो तीन बार हमें लगातार ऐसे मशीन को चलाना है। सबसे पहले दो तीन बार ऐसे करना है, फिर चलाते हुए हम नीचे आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इस कंघे को यहाँ पे अटका देंगे ताकि हमारे अच्छे से स्ट्रेट बाल हो जाएंगे। ये देखो धुआं और निकल रहा है, बाल अच्छे से स्ट्रेट हो रहे हैं। वापस लिया, वापस यहाँ से लाया और छोड़ा, ये देख सकते हो एकदम परफेक्ट हेयर स्ट्रेट हो गए। मैंने अपने बालों के अंदर फ्रेंड्स सीरम लगा लिया है, आपको भी सीरम लगा लेना है। तो सीरम में स्ट्रिक्स का यूज़ करा है, आप कोई सा भी सीरम ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, वाला सीरम लगा लिया, ये हमारे हीट प्रोटेक्टर का सीरम है ताकि हमारे बाल ख़राब नहीं होंगे, डैमेज नहीं होंगे, ये मैंने लगा लिया है। और साथ में मैंने बेरीना का भी हेयर स्प्रे करा है। बेरीना का हेयर स्प्रे करने से फ्रेंड्स हमारे बालों में शाइनिंग आएगी। ठीक है, इसके लिए मैंने उसका भी ना हेयर स्प्रे कर लिया है। और अब मैं करूँगी एक एक लेयर्स करके स्ट्रेट बाल करूँगी। तो सबसे पहले नीचे वाले, अब मैंने वापस हाफ बालों को डिवाइड कर लिया है और इन बालों को हाथ में रंगूंगी और इनको वापस पीछे कर दूंगी। पीछे कर लिया, वापस अच्छे से कॉम कर लेंगे, अच्छे से कॉम करके ट्रायंगल फ्री करना है और फिर करना है हमें मशीन। तो इस प्रकार से मशीन करूंगी, दो तीन बार ऊपर से स्प्रे करना है मशीन को। यहाँ से स्प्रे करोगे आप तो एकदम हमारे परफेक्ट ऊपर से ट्रायंगल फ्री हो जाएंगे। फिर हमें ऊपर से करते हुए आते हुए धीरे धीरे आना है, एकदम फटाफट से नहीं आना है। ये देखो आराम से बाल हमारे स्ट्रेट हो रहे हैं। ये देखो, सबसे पहले हमारे पीछे के बालों को इस प्रकार हमें करना है। ठीक है, ये दो पार्ट हो गए हमारे एकदम स्ट्रेट। अब आप लोग देख सकते हो फर्स्ट और पोस्ट का लुक आपको एकदम दिख रहा होगा। ये शाइन कर रहे हैं बाल और इसमें शाइनिंग नहीं, आप देख सकते हो मेरे को मिरर में एकदम फुल क्लियर दिख रहा है। इसमें शाइनिंग है, इसमें शाइनिंग नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग ये वाले बाल करेंगे। अब मैं फटाफट बड़े बड़े सेक्शंस लेके आपको बताती हूँ किस प्रकार करना है। फटाफट लिए और वापस मशीन चालू करी, इस प्रकार से ऊपर से लेने हैं बाल, बालों को ऐसे स्ट्रेट करा। अब मैंने ये वाला सेक्शन खोल लिया, नीचे से सारे हो गए। अब मैं नीचे से सेक्शन खोल के अब क्या करूँगी, इधर से हाफ बाल निकालूँगी, निकाल के यहाँ पे आगे कर लूँगी और यहाँ से बटरफ्लाई या सेक्शन पिन किसी से भी लेके आप ये वाले इधर कर लेंगे। ठीक है, अब इन बालों को लिया और फटाफट लेके
मशीन में इस प्रकार मशीन को तिरछा रखना है, तिरछा रख के इस प्रकार देखो ये आराम से हो रहे हैं। मिरर को फ्रेंड्स हमें आगे रख के काम करना है, ठीक है, मिरर का ध्यान रखना है। मिरर में देखते हुए हमें स्ट्रेट बाल करने हैं, तो आपके आराम से स्ट्रेट बाल अच्छे से हो जाएंगे। ये देखो सेक्शन परफेक्ट नहीं निकल रहे कि फिंगर से ही निकाले मैंने। घर पे आप किस प्रकार से कर रहे हो, बाल स्ट्रेट होते ही बाल एकदम हल्के हल्के हो गए। आप फटाक से ऊपर वाला और सेक्शन लिया, लेके फिर हमें इसी प्रकार से फिंगर डालते हुए मैं हाफ हाफ सेक्शंस करते जाने। अब ये बाल ले लिए मैंने, अगर आपके पास घर में लोकल मशीन है तो आपको छोटे छोटे, इससे भी छोटे छोटे सेक्शंस लेने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने थोड़े से बड़े लिए हैं क्योंकि मेरे आइकोनिक की मशीन है, इसलिए अगर आपके पास मशीन छोटी वाली है तो आप इससे भी छोटी छोटे छोटे लेयर्स लेके, यानी कि ये इतनी सी लेयर्स है इसकी टू पार्टीशन कर लेनी है, ठीक है। इस प्रकार टू पार्टीशन करके आपको कर लेनी है, बट मेरे सिरेमिक प्लेट है और मेरी प्लेट बड़ी है तो उसके अकॉर्डिंग मैं सेक्शन बड़े बड़े लेकर करूंगी और इस प्रकार करूंगी। देखो ये आराम से हो रहे हैं पूरे स्ट्रेट बाल, ये देखो इस प्रकार करना है। ये इस प्रकार ले लेके करना है हमें, ये देखो एकदम कहीं पर भी मेरे सलवटे और कुछ भी नहीं दिख रही है। देखो फ्रेंड्स आराम से एकदम पूरे स्कैल्प के पास से होते हुए जाना है, हमें कुछ नहीं करना है, बस मशीन का डायरेक्शन थोड़ा सा तिरछा रखना है और मिरर के सामने देखते हुए हाथ को तिरछा रखते हुए आराम से सारे सेक्शंस एक एक करके निकालने हैं, ठीक है। अब मेरा लास्ट वाला पार्टीशन है जो ये हाफ वाला ये बचा है, इसको भी ट्रायंगल फ्री कर लूँगी। ये ट्रायंगल फ्री कर लिया, अब वापस क्या करना है, मशीन को लिया, ये देखो इसी प्रकार मशीन को लेना है, एकदम स्कैल्प के पास गए हम लोग, मशीन को तिरछा रखना है और ऊपर से स्प्रे कर, ऊपर से प्रेशर लगाते हुए आना है और देखो इस प्रकार हाथ को धीरे धीरे लेते हुए जाना है नीचे। एक बार वापस और ले लेते हैं, ये देखो इस प्रकार हो गए हमारे एकदम परफेक्ट स्ट्रेट बाल। तो आप देख सकते हो इसमें ये एकदम प्लफी लग रहे हैं, इसमें एकदम ऐसे लग रहा है जैसे बाल क्रिम्पिंग किए हुए हैं और ये एकदम परफेक्ट स्ट्रेट बाल दिख रहे हैं देखो। और बालों में अच्छी सी शाइनिंग भी आ गई, ये आप देख सकते हो अच्छी सी शाइनिंग दिख रही है बालों में। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमें करने हैं स्ट्रेट बाल, जैसे कि होली के वेकेशन के अकॉर्डिंग, होली का फेस्टिवल है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग घर पे स्ट्रेट बाल कैसे कर सकते हो, तो इस प्रकार से करना एकदम इजी तरीका है, कोई भी दिक्कत और नहीं आने वाली है। अगर आपके पास छोटी मशीन है तो दो पार्टीशन करके, छोटे छोटे पार्टीशन करके लेना है। अगर आपके पास बड़ी मशीन है तो फटाफट से बड़े बड़े सेक्शन भी लेके कर सकते हैं और बस कुछ नहीं करना, क्लच से हमें इस साइड लगा लेना है और इस साइड करो तो आप इस साइड लगा लेना, ठीक है। इस प्रकार आप एकदम नॉर्मल इजी तरीके से घर बैठे भी आप स्ट्रेट बाल कर सकते हो। तो आज की इन्फॉर्मेशन आपको फ्रेंड्स कैसी लगी मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर आपको और किसी वीडियो की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी मेरे को आप कमेंट करके बताना। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू थ्योरीज के साथ, तब तक के लिए मेरे बाय बाय फ्रेंड्स।